इंडियन नेवी को मिलने वाले हैं 6 हॉक हेलीकॉप्टर। जानिए क्या है खासियत MH-60R, MH-60R Seahawk के नाम का ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में 6 मार्च को शामिल हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब भारतीय नौसेना पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें मार गिराने में सक्षम हो जाएगी। रोमियो हेलीकॉप्टर का MH-60R वर्जन आमतौर पर एंटी सबमरीन वर्जन है। भारतीय नौसेना की ताकत आने वाले समय में अब और बढ़ने जा रही है। भारतीय नौसेना अब समंदर के अंदर ही पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें मार गिराने में सक्षम हो जाएगी। पानी के भीतर ही पनडुब्बियों को ढूंढ कर उन्हें नेस्तनाबूद करने वाले इस हेलीकॉप्टर को MH-60R के नाम से जाना जाएगा। इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी बुलाते हैं। इस हेलीकॉप्टर के आने से समुद्री तट पर भारत की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। MH-60R हेलीकॉप्टर स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत ISE विक्रांत की भी ताकत को और बढ़ाने का काम करेगा। भारतीय नौसेना में यह हेलीकॉप्टर 6 मार्च को शामिल किया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका की स्कोरस की एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। इस रोमियो हेलीकॉप्टर के कुल मिलाकर 5 वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा इनके एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से इनमें बदलाव किया जाता है। इनका उपयोग निगरानी, जासूसी, VIP मूवमेंट, हमला, सबमरीन खोजना और उसे बर्बाद करने में काम आ सकता है। इसे और भी कई तरह के कामों में लगा सकते हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों प्रकार के सेंसर्स और रडार लगे हैं। ये सेंसर्स दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इनके अलावा इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। इस गति से भरेगा उड्डयन हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के साथ। इसका अधिकतम टेक ऑन ऑफ वजन 10.433 किलोग्राम है। इसकी लंबाई की बात करें तो 68.8 फीट है और ऊंचाई 17.23 फीट है। MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं, जो टेक ऑन ऑफ के समय 1400 वाट्स किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं। इसके मुख्य पंखे का व्यास 53.8 फीट है। ये रोमियो हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर सीधे उठने की गति 1650 फीट प्रति मिनट है। रोमियो हेलीकॉप्टर अधिकतम 270 किलोमीटर की गति से उड़ सकता है। हालांकि जरूरत के मुताबिक हेलीकॉप्टर गति को बढ़ाकर 330 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाया जा सकता है, लगाए जा सकते हैं। और भी हथियार जानकारी के लिए आपको बता दें, इस पर कई तरह के हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इस पर 2 मार्क 44 टॉर्पीडो या MK-50 या MK-54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM 140 Hellfire मिसाइल लगाए जा सकते हैं। इस पर एडवांस्ड प्रेसिसिशन किल वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर पर 4 प्रकार की हैवी मशीन गन भी लगाई जा सकती है, जिससे दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान हो जाता है। इसके अलावा रैपिड एयरबोर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम और 30 मिमी की तोप भी लगाई जा सकती है। इन देशों की नौसेना में भी है शामिल। रोमियो हेलीकॉप्टर का MH-60R वर्जन आमतौर पर एंटी सबमरीन वर्जन है। भारतीय नौसेना इनका उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने के लिए करेगी। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी नौसेना, ऑस्ट्रेलियन नौसेना, तुर्की की नौसेना और हेलेनिक नौसेना उपयोग कर रही है। 1979 से अब तक ऐसे 938 हेलीकॉप्टर बन चुके हैं। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।